में डाला जाता है और वो वायरस जो है एंटीबॉडीज़ पैदा करता है और वो एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में चली जाती है। मीन्स उस एंटीबॉडीज़ की स्कैन कॉपी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। जैसे ही हमारे अंदर वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और उसको मार देता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है, क्या ये एंटीबॉडीज़ केवल वैक्सीन के द्वारा ही मिलती है? क्या कोई और सोर्स नहीं है कि एंटीबॉडीज़ बनती कैसे है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज़्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है। आज आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आज आपको माइंड को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग कभी नहीं कर सकते। आज बहुत बहुत ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे, बहुत अच्छी बॉडी लिए हैं, लेकिन वो माइंड से स्ट्रांग नहीं है, इसलिए परेशान है और इसलिए इतना बीमार पड़ रहे हैं। तो एंटीबॉडीज़ पाने के लिए वैक्सीन के अलावा कुछ और सोर्सेज है जो मैं आपको बताता हूँ, उसको आजमा के देखिए कैसे आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दोस्तों जब आपके किसी प्यारे से दोस्त का फ़ोन आ जाए ना और वो गाली दे के आपसे बात करे कि तू है कहाँ आजकल, तब बनती है एंटीबॉडीज़ आपके अंदर। वो जो खुशी आपके अंदर आती हो उससे बनती है ये एंटीबॉडीज़। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो फनी सी प्यारी सी जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठहाके ला के हंस रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है अंदर अंदर से, तब बनती है ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो और फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है अरे यार टेंशन छोड़ मैं हूँ ना, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप पूरे मूड में हो और आपको गाना भी नहीं आता, डांस भी नहीं आता, उसके बावजूद भी आप ऊट पटांग डांस कर रहे हो, आप ऊट पटांग गाने गा रहे हो, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आप बहुत परेशान हो घर में और आपका पार्टनर आके आपको हाथ पकड़ के बोले कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपका कोई दोस्त फ़ोन करके आपको जोक सुनाए और आप दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, तब बनती हैं ये एंटीबॉडीज़। जब आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनाता है ना, ये इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से ज़बरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों आपको इन एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है। आज का जो माहौल चल रहा है यहाँ पर बॉडी से ज़्यादा आप आपके माइंड को स्ट्रांग करना है, तो प्लीज़ आप लोग अपने माइंड को स्ट्रांग रखें और सोचें कि चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कुछ बातों पर अमल ज़रूर करेंगे और अभी से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे। आप करके देखिए, मेरी गारंटी है कि एंटीबॉडीज़ ज़रूर बनेगी, आपका इम्यून सिस्टम ज़बरदस्त स्ट्रांग होगा। अगर बात ठीक लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, अपने दोस्तों को शेयर करना और मुझे भी बताना कि क्या आपने एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दी। जल्दी मिलता हूँ, तब तक स्वस्थ रहिए, नमस्कार।